Good afternoon and namaste all. Myself Dishant from SRGC. मैंने जो वर्कशॉप थी लेवल वन सिक्योर करी है उसमें स्टार्टिंग पे तो ऐसा था वर्कशॉप के बिफोर जो अपनी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे कोऑर्डिनेटर ने कहा कि करो वर्कशॉप अच्छी रहेगी तो स्टार्टिंग पे तो ऐसा लगा कि हेक्टिक होगी बहुत ज़्यादा 8 डेज तक कौन करेगा 9 to 6 तक पर आफ्टर 4 डेज स्टार्टिंग 4 डेज में तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया स्टार्टिंग पे पर आफ्टर 4 डेज जब बात चली दूसरों के ऊपर जब फैमिली सोसाइटी के ऊपर जब हम स्क्रॉल डाउन करें तब क्लियर हुआ कि हाँ कि हमें अब प्रॉब्लम है हम इंडिविजुअल लेवल पे तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि हम अपने आप सेल्फ को नहीं क्लेरिफाई कर पाए क्योंकि स्टार्टिंग वर्कशॉप पे सेल्फ के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था तो इट मीन्स हम दूसरों की कॉम्पिटेंस को तो देख पाते हैं पर खुद की नहीं देख पाए स्टार्टिंग से तो इसलिए 4 डेज बाद पता चला कि हाँ हम पे कुछ प्रॉब्लम है और क्या कहते हैं पहले तो ये था कि मजाक में ले लेती थी बात ले ली दूसरों को ठीक करने के लिए चले गए पहले खुद तो ठीक करा नहीं इसका एक एग्जांपल है मैंने डिस्कशन पे भी शेयर किया था एक बार मेरी मदर मार्केट में थे मदर हॉम में तो मदर कहती है कि चलो और चल के कहीं के चाट पकौड़े खाते हैं तो मैंने कहा आप बताओ ये आप मुझे बोल रहे हो कि स्वभाव में बोल रहे हो प्रभाव में मदर एकदम एक्साइटेड स्टेट में चलेगी हो क्या गया है तो अचानक से तो यही चीज है कि हमने खुद को तो ठीक करा नहीं हम सोचने लग जाते हैं कि दूसरों के डिजायर एक्सपेक्टेशन जो है थॉट जो है उनको चेंज कर दे तो ये जो ये चीजें इस कोर्स की इस वर्कशॉप की यही एक सबसे बेस्ट चीज है कि आपको खुद में चेंज लाना है दूसरे आपको देख के चेंज ना है ये आपको करना है ना कि दूसरों को एक्सपेक्ट करो कि दूसरा चेंज होगा फिर हम चेंज होंगे और अगर हम देखें इसमें नीड्स के अकॉर्डिंग से वर्कशॉप के अकॉर्डिंग अगर मैं वर्कशॉप के जो बाद का जो टाइम था उसमें अगर मैं बात करूं तो वर्कशॉप में मतलब काफी डीपली इफेक्ट पड़ा है मुझ पर तो मैंने जो जैसे ये था कि अगर हम कुछ पीपल्स की बात करें मैं भी थोड़ा ऐसी था कि चीजें ले लेता था यूज थोड़ी सी करी उसको बस डिस्कार्ड कर दिया तो यही है कि अभी भी जैसे कि होता है कि बहुत लोग होते हैं जो केयर नहीं करते लैंड का सबसे बेस्ट चीज ले जा लेते हैं और फिर उसको एज ए वेस्ट कर देते हैं आप उनको देखो कि जो नीडेड पर्सन है तो मैंने एक चीज और इसमें लास्ट में सजेशन पे लिखा था पहले उसमें मैंने सबमिट भी किया था उसमें ये था कि एक वर्कशॉप में एक चीज इंक्लूडेड होनी चाहिए एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन करके मेरा एक सजेशन है पर्सनल सजेशन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जिससे हमें पता चले कि ह्यूमैनिटी अबव ऑल रिलीजन्स है क्योंकि रिलीजन्स की वजह से ना रिलीजन्स है अच्छी बात होती है होना पर रिलीजन्स से पहले एक ह्यूमैनिटी है तो अगर हम एवोल्यूशन समझ पाए कि हम हमारी जो होमो सेपियंस की जो एवोल्यूशन हुआ है वो किस रीजन से हुआ है तो हम सारे जितने बिलीव्स और जो हमारे पुराने जो चीजें हैं मान्यताएं हैं हम उनको हटा के उनमें से सही चीज जो सही मान्यता है उनको और डिफ्रेंशिएट करता है गलत और सही मान्यताओं पे और बाकी ये है कि अब मुझे पता चल चुका है कि एक सेल्फ इंडिविजुअल के एक्ट से कैसे पूरी एग्जिस्टेंस क्योंकि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस इस पर फर्क पड़ सकता है ओके थैंक यू